गरीब, निर्धन, अल्पसंख्यक और वंचित वर्ग के लोग जो असहाय है, जो अपने आंखों के ऑपरेशन के लिए, मोतियाबंद के इलाज के लिए दिल्ली नहीं जा सकते हैं, वो झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में पड़ गए, उनकी आंखों की रोशनी ले ली गई है, बड़ा क्राइम हुआ है। इससे उनके परिवार एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा सरकार दे, और जो दोषी डॉक्टर है उस सबको जेल में बंद करे, ये हमारी मांग। मैडम, सवाल है, अभी मंत्री की गाड़ी को डीएम और एसपी आ रहे थे तो उनकी गाड़ी को रोक दिया गया, मतलब सत्ता के लोग भी जो है उन्हें रोक दिया रहा है, मंत्री की गाड़ी को रोक दिया जा रहा है, कैसे देखते हैं? मंत्री का वैल्यू है ना, लेलो के वैल्यू है, कोई की सरकार में 15-16 साल सरकार के होंगे, इस सरकार में कोई का वैल्यू नहीं है। मुख्यमंत्री जी को छूट दिए हैं अफसर लोग, कोई का वैल्यू है, कोई का बात नहीं सुनना, कोई काम के लिए छोटा छोटा काम के लिए फूल करिएगा ना तो कोई फूल नहीं उठता था, कोई सुनवाई नहीं होता है, असेंबली में विधान परिषद में लोग चिल्लाता है कि हमारी काम कर दिया, लोग काम कर दिया, ऐसा हो रहा है, उसे हो रहा है, बिहार नंबर वन पर है, कहाँ बिहार नंबर वन पर है, गरीब आदमी मारा जा रहा है, गरीब आदमी का आँख खाला जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, जब मंत्री की नहीं सुनवाई है तो आम जनता के आम लोग के क्या बैठे? कहते हैं कि अधिकारी जो है वो इज्जत दें, बैठाए कुर्सी पर, मुख्यमंत्री चिट्ठी निकालते हैं, लेकिन विधानसभा में ही मंत्री को रोक दिया था, कार्रवाई करना चाहिए, जो आदमी गलत किया मंत्री की गाड़ी रोक दिया है, ये गलत किया तो सरकार को इस पर कार्रवाई करना, वो कह रहे हैं कि सिपाही पर कार्रवाई करेंगे, सिपाही का कर औकात है कि डीएम एसपी की गाड़ी रोक लेगा। घटना हो ही नहीं रहा, आप लोग दिखा रहे हैं, जनता देश के दुनिया के लोग देख रहा है, बाकी लोग मानने के लिए तैयार नहीं, कोई भी बड़ा से बड़ा घटना हो रहा है, मर्डर हुआ है सरकार में, मर्डर लोग कर रहा है, मंत्री का भतीजा भतीजी सब लोग, देखो कि चुनाव का पहला जो का मर्डर हुआ तारापुर पूर्णिया में, क्या हुआ, मंत्री तो बैठी हुई है, और वहाँ पर बैठी है, वहाँ पर क्या कार्रवाई हुआ मंत्री को, मंत्री का भतीजा कुछ जनता ने देखा, वहाँ का लोग ने देखा, आपका चैनल भी देखा, मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। नीतीश कुमार जी कहते हैं, नीतीश कुमार जी कहते हैं ना कोई कब फंसाते हैं ना कोई कब बचाते हैं, ये तो बचा रहे हैं, कुलियाम बचा रहे हैं, सबको बचा रहे हैं, ऐसा हम लोग मुख्यमंत्री का हम कहेंगे कि आप इसको कार्रवाई करिए, जब अपना मंत्री का तो सत्ता में रहते हुए मंत्री को जब वैल्यू नहीं है तो हम क्या वैल्यू है। मुजफ्फरपुर में मैडम हुआ है, क्या मांग, क्या मांग कर रही है, क्या मांग कर रही है मैडम? स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे, मुआवजा दे, उन लोगों को जिनकी आंखें रोशनी के, एक आदमी का नौकरी दे हर व्यक्ति के, हर परिवार को, आप लोग एक मिनट, अभी हम लोगों का कार्य स्थगन है विधान परिषद में इसी मुद्दे पर, सरकार से दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई, इस्तीफा देना चाहिए, उनके परिवारजनों को मुआवजा, आप लोग एक साथ सरकार के विफलताओं के खिलाफ हम सब साथ साथ हैं।